आज के व्लॉग में आप देखने वाले डोमिनोज के पिज्जा और आम पापड़, तो अपने टेस्ट बड्स की पेटियां बांध लीजिए। मैं जब से उठाऊँ तब से सोच रहा हूँ व्लॉग का इंट्रो करूंगा, पर ये आवाज जो है ना दिमाग खराब कर रही है। सुबह से बंद नहीं हुई है, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ कब बंद होगी और मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगा। नहीं हो रहा है, ये दिमाग खराब कर रहा है मेरा। वेलकम टू डीजे व्लॉग, दिस इज व्लॉग नंबर 72। तो आखिरकार वो जो आवाज है ज़ वाली वो बंद हो चुकी है। आई थिंक आज ही दुकान खुली है सारी सब लोगों के लिए, तो उसने भी आज दुकान खोली होगी और उसका 1-1.5 महीने से काम बाकी होगा, तो वो कर रहा है इसलिए इतनी कंटिन्यूस आवाज आ रही है, हो सकता है। एनीवेज आज हम लोग वॉकिंग जॉगिंग के लिए नहीं गए क्योंकि रात को बारिश हुई थी, सब रोड पे कीचड़ विचड़ हो गया रहेगा इसलिए नहीं गए। और एंड कैरेट अडे कीप्स, आई डोंट नो व्हाट अवे, पर खानी चाहिए। बड़े दिनों से मैं बोल रहा हूँ मम्मी को कि मतलब आज घर पे रहने, तो आज पिज्जा मंगाते हैं, पिज्जा मंगाते हैं। बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए, सो आज वो दिन आ चुका है जब हम पिज्जा मंगाएंगे। तो आई पर्सनली प्रेफर डोमिनोज का पिज्जा मेनिया, उसमें जो अनियन आता है क्या ही मज़ा आता है, अलग ही मज़ा आता है खाने में। ऐसा खाओ और वो जो क्रीम होता है ना वो बहुत सही होता है डोमिनोज का, तो वो मंगाया है। तो पिज़्ज़ा खाएंगे आज बड़े दिनों बाद, बहुत मज़ा आएगा। और आज सुबह जो मैंने इंट्रो शूट किया था उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सीधा ये वाला पार्ट शूट कर रहा हूँ। तो कल व्लॉग चांसेस आने के थोड़े से कम है, कल व्लॉग के आने के चांसेस थोड़े से कम है, पर अगर ट्राई करूँ तो आ भी सकता है। लेट्स सी जो होता है देखेंगे। तो अभी जस्ट खाना खाया, मतलब ऑर्डर जो किया था वो ख़त्म हुआ और मैं रूम में आया अभी, और इतना आलस आ रहा है, इतना पेट भर के खाया है ना, अभी से नींद आ रहा है। अभी 8:45 हुआ, अभी से नींद आना स्टार्ट हो गया है। पर अभी हम लोग को रिव्यू करना है बेरोजनामा के लिए एक और, तो उसके लिए अभी लिंक आएगा और हम लोग चालू करेंगे वो, तो टाइम जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कल यानी कि थर्सडे को व्लॉग आ पाएगा, अगर आ गया तो भाई मानना पड़ेगा मेरे को। वैसे तो कल मैंने सोच ही लिया था कि आज यानी कि 3 जून को व्लॉग नहीं आएगा, पर आज जब मैं उठा तो मैंने बोला 5 बजे व्लॉग डालना है शाम को, उसके पहले तो व्लॉग चला ही जाएगा, तो छुट्टी लेके फायदा नहीं है। तो आज भी व्लॉग डालेंगे हम लोग, तो कंसिस्टेंसी इज द की। मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाला था, हार नहीं माननी है। सो मैंने सोचा इलस्ट्रेटर का प्रैक्टिस कर लेता हूँ थोड़ा सा, बहुत मतलब एक प्रोजेक्ट था कॉलेज का उसके लिए मैंने इंस्टॉल किया था, थोड़ा सीखा था बेसिक, और अभी फिर से थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा आगे सीखने की कोशिश रहेगी। मैं अपने प्रोजेक्ट्स बताता हूँ मैंने जो कॉलेज के लिए बनाए थे एक दो। ये मैंने एक बार बनाया था मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए, वो टाइम पे बहुत ही गंदा था मेरा, मतलब अभी भी इतना कुछ सीखा नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी सीखूँगा, बट यही है जो है। सो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं आम पापड़। सो गाइस आपको पहले मैंगो पल्प को मिक्सर में पीस लेना है कुछ इस तरह से, फिर उसको पैन में लेना है और उसके बाद आपको उसमें शक्कर डालनी है स्वाद अनुसार, हमने थोड़ी ज़्यादा डाली है इसके बाद और डाली जो मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं है, और अच्छे से स्टर करना है 20 मिनट के लिए, वो भी डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर। कुछ इस तरह से आपको सूखा देना है, इसके नीचे ग्रीसिंग किया हुआ है घी का या तेल का, घी का किया है हमने बस, और फिर 2-3 दिन बाद सुखा के रेडी। सो अभी जो हम लोग ने आम रस जो भी बनाया था वो मम्मी बोल रही थी कि उसमें आम पापड़ अगर बनाना है तो बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो ये पल्प जो है इसको हम लोग एक प्लेट में लेंगे, पहले वो प्लेट के ऊपर घी या तेल से ग्रीसिंग करेंगे, फिर उसके ऊपर ये जो भी हमने आम रस बनाया वो डालेंगे, और उसको वैसे भी बनने में 2-3 दिन लगेंगे क्योंकि इसको सुखाना पड़ता है। सो अभी ये वाले जो प्रोसेस हुआ इसके बाद टाइम लगेगा तो वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, और आई थिंक ये वाले व्लॉग में इतने डाल पाऊंगा मैं, तो ये वाला व्लॉग ख़त्म करते हैं। सो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और आई नो व्लॉग्स छोटे आ रहे हैं पर थोड़ा सा सहलो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो बाय।